प्रणाम मित्रों, आज हम बात करेंगे पेटर शाह की, जिन्होंने अपने जीवन के अंदर बहुत सारे बड़े बड़े कार्य करे। आज एक उनकी बात याद आती है कि देवगिरी नगरी के अंदर उनको प्रभु अरिहंत प्रभु के जिनालय निर्माण करने की उनकी भावना थी, और ये भावना तभी पूरी हो सकती थी जब देवगिरी नगरी के राजा हेमादि राजा को प्रसन्न कर सके। अगर वहाँ के राजा प्रसन्न हो गए तो वह देवगिरी नगरी के अंदर जिनालय का निर्माण कर पाएंगे, जिनालय बनवा पाएंगे। तभी पेटर शाह हेमादि राजा के नाम पर एक सदाव्रत खाता खोलते हैं। खाता खुलने पर 6 महीने होते हैं, 1 साल होता है, 2 साल होता है, 3 साल होते हैं, और इधर हेमादि राजा को पता चलता है कि किसी पेटर शाह नाम के व्यक्ति ने मेरे नाम पर एक सदाव्रत खाता खोला है। भाई सुनकर प्रसन्न होते हैं और अपने सेवक से एक संदेश भिजवाते हैं पेटर शाह को, और पेटर शाह वह संदेश पढ़ते हैं और उनसे मिलने के लिए देवगिरी नगरी में पधारते हैं। हेमंती राजा उन्हें देखकर बहुत प्रसन्न होते हैं और कहते हैं कि आपकी जो भी मन की भावना है आप यहाँ पर कह सकते हैं। तभी पेटर शाह अपने मन की भावना कहते हैं कि मुझे देवगिरी नगरी के अंदर अरिहंत प्रभु के जिनालय का निर्माण करना है, मुझे उनकी प्रतिष्ठा करवाना है। हेमंती राजा उनकी यह भावना सुनकर बहुत प्रसन्न होते हैं, बहुत खुश होते हैं और उन्हें देवगिरी नगरी के अंदर एक जगह भेंट करते हैं। वहाँ पर अरिहंत प्रभु के जिनालय का निर्माण होता है, प्रतिष्ठा होती है। पेटर शाह के मन का मयूर नाचने लगता है, उनकी भावना पूरी हो जाती है। आज अगर देखा जाए तो देवगिरी नगरी के अंदर अरिहंत प्रभु के जिनालय का निर्माण किसने किया, तो वह है पेटर शाह, जिन्होंने अरिहंत प्रभु के जिनालय का निर्माण किया।